एवरीवन, मैं उमा अमरा, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बैंगलोर। आज हम यहाँ HBR लेआउट में मौजूद हैं और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि कल MLA ज़मीर अहमद ख़ान के घर में ED की रेड हुई थी। और यहाँ पर ED की रेड किस लिए हुई, क्यों हुई, ये लोगों का सवाल है। करने जा रहे हैं ऑगस्टिन, जो बैंगलोर के सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं, आइए उनसे बात करते हैं। इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट्स क्लियरली टारगेटेड MLA ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड कांग्रेस लीडर्स। सो ये आपको सीधी मालूम चलता है कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। लाइक इट्स क्लियरली शोन देयर, लाइक BJP के हाथ हैं इसमें। जो इंसान लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों को मदद कर रहा है, घर में जिसकी मौत हो रही है, कोविड में कितने लोग मरे थे, उनके फैमिली के लिए कितना हेल्प किया है, उन्होंने कितना रेशन बांटा है, और जिनके घर में शादियाँ नहीं हो पा रही थी वो लोगों को पैसे दे के शादी करवाए, ऐसे इंसान को ये लोग टारगेट क्यों कर रहे हैं, वो आपको क्लियरली मालूम हो रहा है। जो पब्लिक को हेल्प करता है, जो इंसान लाइक द ग्रेट पर्सन दैट MLA श्री ज़मीर अहमद सर, वो घर घर में जाके लोगों को मदद करते हैं। और वो एक ऐसे इंसान है पार्टी में जो एक इमीडिएटली हेल्प करते हैं। वो अभी आप आज गए तो आपको हेल्प आज ही मिलेगा। सो ऐसे इंसान को टारगेट करके ये क्या करना चाहते हैं मेरे को तो नहीं मालूम, बट इट्स क्लियरली सीन दैट ये लोगों मतलब कांग्रेस को ही टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस के MLA जो लोगों तक पहुंच के हेल्प करते हैं, उन लोगों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। सर, MLA ज़मीर अहमद खान के ऊपर ही रेड क्यों किया गया है सर, वो एक ही MLA थे? देखिए, फिलहाल उनको टारगेट क्यों किया हुआ है, बिकॉज उन्होंने घर बनाया। तो हर एक इंसान घर बनाता है, हर एक मिडिल क्लास फैमिली इंसान घर बनाता है। वो MLA हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, उन्होंने भी एक बड़ा घर बनाया है। उनके लिए बड़े घर का ज़रूरत था, क्योंकि बहुत लोग रोज़ आते हैं उनसे मिलने जाने के लिए, तो उनकी बड़ी जगह चाहिए थी, तो उन्होंने बड़ा घर बनाया। तो इनके आंखें खुल गई कि इन्होंने मतलब इतना बड़ा घर कैसे बनाया, तो उन्होंने उसका आंसर दिया हुआ है। लाइक ED को भी उन्होंने पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, उन्होंने घर कैसे बना, कॉन्ट्रैक्टर को क्या पैसा दिया। तो इट्स क्लियरली ही हैज़ गिवन ऑल दिस। देखिए, 45 लोगों को जाके राइड करने का क्या मतलब उनका मसला, मतलब उसके पीछे क्या उनका माइंडसेट था, वो तो हम लोग नहीं बोल सकते। मगर ऐसे टाइम में मैन पावर को इस चीज़ के लिए क्यों यूज़ कर रहे हैं 45 लोग, क्या ज़रूरत थी जाके करने के लिए। अभी लोगों को हॉस्पिटल में इतने मतलब प्रॉब्लम चल रहा है, थर्ड वेव आने वाला है, उनको मोदी जी को और अपने सरकार जो BJP की सरकार है, इन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कर्नाटका इज़ गोइंग टू स्ट्रगल अगेन, द थर्ड वेव इज़ कम, दे शुड प्रिपेयर दिस और दे आर डूइंग दिस। आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरे को समझ के बाहर है ये लोग क्यों ऐसे सब करवा रहे हैं। थैंक यू।